बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार साथियों, आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में हो। आज एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हर ज़बान पर ये सुनते हैं, मैं भी कहता हूँ कि ज़री मुल्क है, लेकिन जो ज़राइत का यहाँ पर हाल है, जो किसानों का हाल है, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। कुदरत ने बहुत वसाइल दिए हैं, अब उसको मैनेज करना इंसान का काम है। जिन लोगों को रब पर यकीन नहीं, उन्होंने आज तरक्की कर ली है, रब दे रहे हैं उनको। और जो रब के मानने वाले, अल्लाह रसूल से प्यार करने का दावा करने वाले, आज अपने आप को पीछे समझे रखे हुए हैं, ये उनकी गलती है। ये इरादातन गलती है, हमने इस सोच को बदलना है। पॉइंट ये है कि तरक्की हम क्यों नहीं कर सकते। जी, हम कर सकते हैं और कर रहे हैं। और आज का हमारा मौजू है कि फ्लोरिकल्चर में पाकिस्तान का मुस्तकबिल तापनाक है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, मलक फयाज हुसैन फरदोसी, फ्लोरिकल्चर के हवाले से इन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम किए हैं। पीएचए में, हर जगह पर इन्होंने, इनका एक शौक़ है, ज़रूरत है, मजबूरी थी या क्या था, जो भी था, बहरहाल अपने हम वक़्त लोगों से इनके पास इस हवाले से ज़्यादा मालूमात है। मैं ये चाहूँगा कि मेरा आज का फार्मर इनकी बातें गौर से सुने और वो रवायती फसलों से हटकर फ्लोरिकल्चर की तरफ आए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताइएगा कि मेरा फार्मर रवायती फसलों से हटकर इस पहलू को क्यों नहीं समझता कि फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये उसकी मईशत को बदल सकते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। आल्दो पिछले कई सालों से हमारे फार्मर्स जो हैं, हमारे जो आम किसान हैं, उनका रुझान फ्लोरिकल्चर की क्रॉप्स की तरफ हुआ है। उसमें गुलाब में चूंकि काफ़ी मसाइल पेश आ रहे थे, इसलिए उसका अल्टरनेट कुछ क्रॉप्स आ गईं। एक फसल है ग्लैडियोलस के नाम से, वो अब बहुत ज़्यादा काश्त हो रही है। लेकिन यह सवाल इस हवाले से ज़्यादा वैलिड है कि आम तौर पे जो हमारे ज़मींदार हैं, वो चावल, कपास, गन्ना या गंदम लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और फ्लोरिकल्चर की तरफ जिस तेज़ी से उनको आना चाहिए, उस तेज़ी से वो आ नहीं रहे। इसकी मेरे हिसाब से काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली वजह जो है वो लैक ऑफ अवेयरनेस है कि हमारा जो ज़मींदार है, उसको ये खबर ही नहीं है कि उसकी तकदीर बदलने वाली चीज़ें अल्लाह ताला ने कायनात में पैदा की हुई हैं। वो ये समझता है कि मैं गंदम उगाऊंगा तो मेरी तकदीर बदल जाएगी, वो ये समझता है कि मैं चावल की फसल काश्त करूंगा तो शायद मेरे घर का सामान जो है रोज़मर्रा की ज़रूरियात का, वो पूरा होता रहेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि अगर वो गैर रवायती फसलों की तरफ आता है, जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में मेंशन किया कि वो फूलों की तरफ आ जाए या ऐसे फलों की तरफ आ जाए जो कि अभी पाकिस्तान में काश्त होना शुरू नहीं हुए लेकिन उनकी डिमांड है। लेकिन ये प्रोग्राम चूँकि फूलों के मुतल्लिक ही है, इसलिए मैं फूलों पे ही फोकस रहूँगा। इसमें सॉरी, आप इसमें ज़रा मेरे फार्मर को ये बता दें कि भाई मुख्तसरन उन फूलों के नाम ले दीजिए कि भाई ये जो फूल हैं ये प्रॉफिटेबल हैं, आप इनको लगाएं, उनके नाम लीजिए ज़रा। जी, मैं वही फूलों की तरफ ही आ रहा था कि जो जब हम फूलों की काश्त की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में दो नाम आते हैं, एक नाम आता है गुलाब का और दूसरा नाम आता है मोतिया का। अगर किसी बंदे को फूलों का बिल्कुल भी अलिफ बे का भी ना पता हो तो आप उसको पूछें कि आपको कौन सा फूल ले दूँ, अपने घर के बागीचे में कौन सा फूल लगाएंगे, तो वो यही कहेगा कि मैं गुलाब लगा दें, मोतिया लगा दें। गुलाब और मोतिया भी बहुत अच्छे फूल हैं, कट फ्लावर की मार्केट में इनकी भी बड़ी डिमांड है, लेकिन इनमें काफ़ी सारे मसाइल हैं।
अब चूँकि एडवांसमेंट का दौर है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इनके भी अल्टरनेट के तौर पे भी बहुत सारी फसलें मौजूद हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त गुलाब की काश्त कम होती जा रही है, जबकि ग्लैडुलस की जो काश्त है वो बढ़ती जा रही है। ग्लैडुलस को हम उर्दू में गुले गुलाइल भी कहते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल तलवार की मानिंद होते हैं और सब्ज़ रंग के होते हैं। मतलब तलवार की मानिंद से मुराद है कि उसकी शेप बिल्कुल स्वॉर्ड लाइक होती है। और जो इसके फूल हैं वो एक लंबे सिट्टे की सूरत में होते हैं और उसके ऊपर मज़ीद छोटे छोटे फूल होते हैं जिनको हम फ्लोरेट्स कहते हैं। और इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो गुलाब के मुकाबले में ज़्यादा है, तो इस वजह से ज़मींदार इसको लगाना पसंद करते हैं। और अगर एक ज़मींदार एक एकड़ में जो है गंदम काश्त करे तो उसको हो सकता है कि 50,000 रुपये का मुनाफा हो। मतलब ये भी मैंने एक ज़्यादा अमाउंट बता दी, लेकिन अगर वो एक एकड़ में ग्लैड की काश्त करे तो ग्लैड के जो पौधे हैं वो 60 से 80 हज़ार हम एक एकड़ में लगाते हैं। तो गोया और जो ग्लैडुलस की जो काश्त के ऊपर जो लागत आती है वो 4 से 5 रुपये, बड़ी हद बहुत ज़्यादा भी करें तो 8 रुपये पर प्लांट के हिसाब से उसकी लागत है। और जो उसका रिटर्न है वो 20 रुपये 25 रुपये पर स्टिक, और एवरेज उसकी 15 रुपये पर स्टिक के हिसाब से पूरे सीज़न में जाती है। अच्छा, अब इसमें काफ़ी मसाइल भी हैं। अब ग्लैडुलस तो काश्त करना शुरू कर दें, बहुत सारे ज़मींदार चाहते हैं कि हम ग्लैड काश्त करना शुरू कर दें। ग्लैडुलस को वो मुख्तसर ग्लैड भी कहते हैं, कुछ उसको ग्लाइड भी कहते हैं, लेकिन ये इसका जो लफ्ज़ है वो ग्लैडियस से ये निकला है, ग्लैडियस से। कुछ ज़मींदार इसको ग्लैडियस भी कहते हैं। मुख्तसर अगर हम इसको ग्लैड अपनी गुफ्तगू में जारी रखें तो आज हम इस पर फोकस करेंगे कि ग्लैड जो है ये हमारी मशीत को बदलने की सलाहियत रखता है कि नहीं रखता। तो मेरा मौक़ यह है कि बिल्कुल रखता है, इसलिए कि अगर 80,000 पौधे आप अपने एक एकड़ में लगा लेते हैं और उनमें से 10,000 पौधे अगर किसी वजह से मर भी जाते हैं, 70,000 पौधे जो हैं वो आपको 15 रुपये के हिसाब से आप देखें कि इसका जो मुनाफ़ा है वो कई 10 गुना ज़्यादा है गंदम और चना या कपास या रवायती जो फसलें हम लगाते हैं उनकी नस्बत। और ये आसान भी है इसकी काश्त करना, इसलिए अगर आसान है ज़रा फार्मर की आसानी के लिए ज़रा बताइएगा इसकी सोइंग टाइम कौन सा है, आइडियल सोइंग टाइम। जी जी, तो और फिर इसके बाद इसको फी एकड़ इसका प्रॉफिट कितना बनता है, ज़रा ये दो चीज़ें ज़रा फार्मर को बता दीजिए। इसका जो आइडियल सोइंग टाइम है वो मौसम सरमा के आगाज़ में या मौसम सरमा के बाद, और बेसिकली जब फॉल सीज़न शुरू होता है, मौसम खजां ख़त्म हो रहा होता है या शुरू हो रहा होता है, कुछ फार्मर उस वक्त इसको लगाते हैं। तो आजकल चूंकि अक्टूबर के महीना चल रहा है तो अक्टूबर हमारे यहाँ लाहौर में इसका आइडियल है, आइडियल टाइम है। क्या ये भी टनल लो टनल के अंदर लग सकते हैं? बिल्कुल लग सकते हैं, लेकिन जो फ्रास्ट पीरियड आता है उस सीज़न में इसको टनल में लगाना चाहिए। अदरवाइज़ जो ओपन स्पेस का पौधा है इसके लिए टनल की ज़रूरत नहीं, ठीक है, इसलिए टनल के खर्चे से भी हम बच सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। अगर हम वो सिर्फ धुंधों वाला और फ्रास्ट वाला पीरियड निकाल दें। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें जो सबसे अच्छी वैरायटीज़, इसमें काफ़ी कलर्स हैं, जो ज़्यादा कॉस्ट में बिकता है, फार्मर को ज़्यादा उसमें इनकम होती है, वो कौन सा कलर है और वो ज़रा बताइए। सबसे ज़्यादा इसमें वाइट कलर की ज़्यादा डिमांड है। वाइट कलर में एक वाइट प्रॉस्पेरिटी के नाम से वैरायटी है, एक एम्स्टर्डम के नाम से वैरायटी है, और लेकिन जो एम्स्टर्डम वैरायटी है ये गर्म और हार्श मौसम को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, इसलिए हमारे फार्मर इसको लगाते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसका फ्लोरेट जो है वो साइज़ में बड़ा होता है, इसका स्पाइक भी लेंथ में ज़्यादा होता है, और इसकी वाइटनेस जो है वो एसेंशियल एक और वैरायटी है उससे भी ज़्यादा है, और वाइट प्रॉस्पेरिटी से भी ज़्यादा है। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि आपने जो बल्ब्स लिए हैं वो कितने साल तक एक बल्ब जो है वो बीज है वो मतलब अच्छी पैदावार मल्टीप्लाई अच्छी पैदावार दे सकता है, उसके बाद उसको ख़त्म कर देना जी, इसके बारे में ज़रा मेरे अच्छा, ग्लैडुलस में ये है कि जब आप इसको एक दफ़ा हार्वेस्ट कर लेते हैं बीज को, मतलब फूल को सॉरी, उसके बाद आपने बीज की या इसके बल्ब की हार्वेस्टिंग करनी होती है। तो ग्लैडुलस में ये है कि आपको ये हर सूरत ज़मीन से निकालना ही पड़ता है, और
इसके बाद इसके ऊपर 90 दिन की डारमेंसी आ जाती है, उसके बाद आप दोबारा इसको कहीं और भी लगा सकते हैं। तो बेशक आप इसको थ्रू आउट लाइफ चलाते रहें, ये तो डिपेंड करता है कि आप इसकी कितनी केयर कर रहे हैं, लेकिन हमारे फार्मर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो ग्लैडुलस के बीज को रिसाइकल करने में या मल्टीप्लाई करने में या साल हा साल तक इसको इस्तेमाल करने में है। अब जो बॉटलनेक्स हैं, जो मसाइल हैं, उसमें सबसे बड़ा मसला ही ये है कि फार्मर को अवेयरनेस नहीं है कि वो किस तरह इसके बीजों को जो है वो मल्टीप्लाई करे और किस तरह। ज़रा मेरे फार्मर्स को ज़रा बताइए, वो ये टिप दीजिए कि वो इसको मल्टीप्लाई कैसे करें और प्रिजर्व किस तरह करें, उसमें वो क्या गलतियाँ करते हैं। असल में हम पाकिस्तानी लोग जो हैं ये टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। हॉलैंड जो है, अभी जो प्रोग्राम से पहले आपसे बात चल रही थी कि हॉलैंड की जो 80% मैशत है वो फूलों पे ही डिपेंड, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, और दुनिया भर से लोग उनके ट्यूलिप के फार्म्स देखने के लिए, टूरिज़म में भी उनके फ्लोरिकल्चर का ही बड़ा रोल है, बड़ा रोल है। अच्छा, लेकिन मसला ये कि दे आर वेल एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी एंड वी आर लैगिंग बिहाइंड। अब टेक्नोलॉजी के मुकाबला तो हम उनसे नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे बहुत सारे मौसम दिए हैं और अल्लाह ने हर इंसान को अकल भी दी है जिसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर हम थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें और थोड़ा सा इसको प्रिसाइजली ले चलें तो हम इसको भी कर सकते हैं। जैसे कि जब ये मेच्योर हो जाता है बल्ब, हम इसकी हार्वेस्टिंग करें, इसको ज़मीन से निकाल लें। जब इसको ज़मीन से निकालें तो ज़मीन में भी और बल्ब को भी, दोनों को ही फंजीसाइड के साथ, फफूंदी कुछ जो दवाइयाँ हैं उनके स्प्रे करना चाहिए, ट्रीट किया जाए। अच्छा, हमारे सब फार्मर उसको स्प्रे ही करते हैं जैसे आपने कहा, ठीक है, लेकिन इसको स्प्रे नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसको निकाल के इसको पहले धोना चाहिए, इसको धोने के बाद उसको खुश्क करना चाहिए धूप में, और देन इसको फंजीसाइड के ड्रम में इसको भिगोना चाहिए। मतलब हम लोकली, हम हमारे लिए ये फिजिबल है, ठीक है, वहाँ तो वो उसको बड़े बड़े क्रेट्स में रख के फैक्ट्री में ले जाकर, मैं मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्री भी है अगर आप चाहेंगे तो हम उसको भी शेयर करेंगे कि वहाँ वो उसको शावरिंग करते हैं, ठीक है, शावरिंग से उसकी पहले वॉशिंग होती है, फिर आगे उसकी ड्राई अप होती है, ठीक है, फिर दोबारा उसको फंजीसाइड्स के साथ वॉश करते हैं, ठीक है, जिस पानी में फंजीसाइड मिली होगी। अब मसला ये है कि फंजीसाइड कौन सी इस्तेमाल की जाए, ठीक है, ये हमारे फार्मर्स जो हैं वो गंदम के सीटों के ऊपर जो फफूंदी आती है वही वाली समझते हैं कि इसके लिए भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए मुख्तलिफ हैं। जो आम तौर पे हम बीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो बैनलेट वगैरह भी इसके लिए ठीक है, ठीक है, और बायर की जो, मतलब ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लेकिन बायर की जो फंजीसाइड्स हैं वो बेहतर हैं इंटरनेशनली जो यूज़ होती हैं, ठीक है, तो उनको ट्रीटमेंट करने के बाद उसको दोबारा ड्राई अप किया जाए साय में रख के, ठीक, जब आप फंजीसाइड से उसको ट्रीट करते हैं साय में रखें, उसके बाद उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाए, ठीक है, जहाँ आलूओं को स्टोर किया जाता है, जिस स्टोर में आलू स्टोर हो, हाँ, वहाँ रखा जाए, ना कि उस स्टोर में रखा जाए जहाँ सेब पड़े हों, ठीक है, क्योंकि उन दोनों का दर्जा है टेक्निकली। अच्छा, सेब में ज़रा उसका और आलूओं का दोनों टेम्परेचर का फ़र्क होता है, बिल्कुल होता है। क्या जो फार्मर जिनके पास कोल्ड स्टोरेज की सहूलत नहीं है, क्या देसी तरीके के मुताबिक जैसे हमारा अपना इसको खुले कमरों में रख दिया जाए और वेंटिलेशन हो, क्रॉस हवा का चलता रहे, और ऐसा कोई पॉसिबल है? बिल्कुल इस तरह मुमकिन है। जैसे मैंने कहा कि हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, तो जाहिर है कि हर फार्मर की रसाई कोल्ड स्टोरेज तक भी नहीं होती, ठीक है, तो ऐसी सूरत में ये होना चाहिए कि उसके रैक्स बना के किसी ऐसे हवादार कमरे में जो कि आमतौर पर उनके डेरों पर मौजूद होते हैं, तो वहाँ उनको खुले आम रख दिया जाए और उसको फिर वो इंस्पेक्ट करें। जैसे नमी का मौसम आ जाता है बरसात के दिनों में, ठीक है, उसकी केयर करें, उसको इंस्पेक्ट करें, अगर उस पर कोई अटैक आ रहा है तो उसको दोबारा ट्रीट करके उसको ड्राई अप करें, ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वो उसको वहाँ पे वो पंखे वगैरह लगा दें, ठीक, जिसके साथ नमी बाहर निकल जाए, थोड़ा इससे मैनेज हो सकता है, मैनेज हो जाता है। अच्छा, फार्मर के लिए आप जो उसको सजेस्ट करेंगे कि क्योंकि इस पर तो हमने हर तसलसल से हर फ्लावर पर, हर उस पर वैरायटी पर हम प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आज आपने ग्लैड के हवाले से किए, तो मैं ये भी पूछूंगा, क्या ये ग्लैड के लिए कोई अच्छी मार्केट, जो कामयाब मार्केट करीब तरीन वो कौन सी है, अपने इलाके के हवाले से कोई आम फार्मर्स को क्या कहेंगे? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अगर आप मुझसे ये सवाल भी आपने अच्छी बात है किया, अगर आप किसी और तरीके से भी पूछते
कि हमारे फार्मर को मज़ीद क्या मसाइल हैं, तो मार्केटिंग इसका सबसे बड़ा मसला है। मार्केटिंग में दो मसाइल हैं। हमारे यहाँ सब्ज़ियों की मार्केट मौजूद है, हमारे यहाँ फलों की मार्केट मौजूद है, हमारे यहाँ गल्ला मंडियाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो फूलों की मार्केट है वो अनस्ट्रक्चर्ड है। उस मौजूद है लेकिन वो अनस्ट्रक्चर्ड है, अनप्लान्ड है, और इसमें मार्केट बिहेवियर तो खैर एक अलग चीज़ है, वो भी आपके सवाल का जो आपका दूसरा पोर्शन होगा कि अच्छा अनस्ट्रक्चर होने की वजह से फार्मर्स जो हैं वो मार्केट बिहेवियर को नहीं पहचान पाते कि मार्केट में अब क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत थोड़ा इसमें ज़मींदारों को फैसिलिटेट करे, बेशक उनसे अपना वो जो उनका कमीशन होता है उसमें कोई 1% 2% रख लें, इसलिए कि अगर फार्मर अगर 100 रुपये की चीज़ बेच रहा है, 10 रुपये लगा के वो 100 रुपये कमा रहा है, तो हुकूमत को वो 1 रुपये टैक्स देने में उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत चाहे, हुकूमत के पास इतने रिसोर्सेज हैं, कभी वो मुख्तलिफ स्कीमों में लाइफ स्टॉक की स्कीमों में इन्वेस्ट करते हैं, कभी कहीं करते हैं, कभी कहीं करते हैं, तो ये प्योरली एक फार्मर की वेलफेयर होगी कि इसको बकायदा एक स्ट्रक्चर्ड मार्केट बना दी जाए। मेरे फार्मर को कोई टिप्स दीजिए कि वो रवायती तरीक़ाकार से चेंज होकर वो इस तरफ आए और इस तरफ भी आए ग्लैड्स की तरफ, कोई ऐसी टिप दीजिए ताकि मेरा फार्मर जब प्रोग्राम के एंड पर ये सुन रहा हो तो वो कहे भाई मुझे कुछ निचोड़ मिला है। अच्छा, इसमें जो हमारे फार्मर्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो उनकी अनरियलिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, अच्छा जिस तरह वो समझते हैं, मिसाल इसमें अनरियलिस्टिक में इसकी काफ़ी डिबेट हो सकती है, लेकिन मैं 2-3 बातें करूँगा कि जैसे वो समझते हैं कि हमने गंदम काश्त की तो जैसे वो पड़ी है सारा साल पड़ी है, पूरा सीज़न पड़ी है, उसके बाद हमने उसको हार्वेस्ट कर लिया, जबकि रियलिटी ये है कि जो फूलों की जब हम काश्त करते हैं, सब्ज़ियों की भी ऐसे ही है लेकिन फूलों में ज़्यादा है कि इसकी केयर और मेंटेनेंस ज़्यादा है। ठीक है, उसमें केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये एक टिप है। दूसरा, इसको जब मार्केट बिहेवियर देखे कि इसने कौन सी मार्केट में अपने फूल लेके जाने हैं, उसके हिसाब से उसको काश्त करें, सॉरी बर्दाश्त करें। किसान भाइयों, साथियों, आपने आज का प्रोग्राम देखा, फिरदौसी साहब की बातें सुनी आपने, और ये तसलसल के साथ हम चलाएंगे क्योंकि बड़ा वसी सब्जेक्ट है, एक फूल नहीं है, बेनता वैराइटीज़ हैं, अपने इलाके और अपने मौसम के हिसाब से आपने काश्त करना, फ़ैसला आपका है। लेकिन हमारा आपको ये मशवरा है कि आप इस तरफ आइए, हॉलैंड की मैशियत जो है उस पर डिपेंड कर रही है, मौजूदा गवर्नमेंट ने टूरिज़्म को बड़ा डेवलप करने की ख्वाहिश करती है, और ये जब बेल्टों के बेल्ट बन जाएंगे तो आपकी टूरिज़्म भी डेवलप होगी, लेकिन फ़ैसला आपने करना है, गवर्नमेंट ने नहीं करना, फैसला आपने करना है कि आपने अपना तरीका अंदाज बदलना है, आपने किस फसल को काश करना है। हमारा आपको मशवरा यही है, आप फ्लोरिकल्चर की तरफ आइए, इसमें बेहतर समुंदर आइए, लेकिन जुगसूझ के साथ फैसला कीजिए। इंशाल्लाह अज़ीज़, हम इसके लिए आपके हर हवाले से आपको रहनुमाई भी देंगे, आपको मार्केट में मौजूद फूलों के हवाले से, बीजों के हवाले से, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर चलता है, आप उसमें रابطہ भी रहिएगा। इंशाल्लाह अज़ीज़, वो सब मालूमात कि जो आपकी ज़रूरत हैं, जिससे आपकी मईशत बेहतर हो सकती है और जिससे आपके इल्म का बायस बन सकता है, इंशाल्लाह हम देंगे। और जब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, लेकिन एक बात का वादा लेते हैं आपसे कि आपने ये वीडियो देखने के बाद नदाए किसान टीवी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री जितनी हम बना रहे हैं फार्मर की एजुकेशन के लिए बना रहे हैं, आपने देख ली, अगले फार्मर तक, नेक्स्ट फार्मर तक पहुंचाना आपका फर्ज ऐन है, ये आपकी ज़रूरत भी है, मजबूरी भी है और हर कौमी फरीजा भी है। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।